नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बांके बिहारी मंदिर से। बांके बिहारी मंदिर में भयंकर भगदड़ मची है। मथुरा के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में हुई भगदड़ मामले को लेकर आगरा के एडीजी राजीव कृष्णा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि मंदिर में मंगला आरती के दौरान भगदड़ कैसे मची, इस बात की जाँच की जा रही है। इस मामले में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। एडीजी ने कहा कि दोस्तों, भगदड़ में दो लोगों की दम घुटने की वजह से मौत हो गई है। दो घायल का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है, जबकि तीन लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद में छुट्टी दे दी गई है। आपको बता दें, जन्माष्टमी के मौके पर दोस्तों बांके बिहारी मंदिर के अंदर जबरदस्त भीड़ हुई थी और इसी भीड़ के अंदर दोस्तों भगदड़ मच गई थी, जिसमें दो लोगों की दम घुटने की वजह से मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। आगरा एडीजी राजीव कृष्णा ने कहा कि बांके बिहारी मंदिर में हुई भगदड़ में पीड़ितों के परिजन को सरकार के नीतियों के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मंगला आरती के दौरान बड़ी संख्या में लोग भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि प्रशासन के लिए इसे संभालना मुश्किल हो गया, जिसके बाद मंदिर में भगदड़ मच गई और भीड़ में दम घुटने की वजह से दो लोगों की मौत हो गई। इनमें से एक महिला और एक पुरुष को दोस्तों बताया जा रहा है। वहीं दोस्तों, जन्माष्टमी के त्यौहार पर बांके बिहारी मंदिर में हुए इस हादसे पर सीएम योगी ने भी दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर हादसे पर शोक प्रकट किया है। सीएम योगी ने ट्वीट किया, मथुरा के श्री बांके बिहारी मंदिर परिसर में हादसे में हुई जनहानि अत्यंत हृदय विदारक है, घायलों के समुचित उपचार हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बांके बिहारी मंदिर से। जांच कमेटी दोस्तों बिठा दी गई है, जो भी दोस्तों दोषी पाया किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी और बहुत ही बुरी खबर। आप सभी अलर्ट रहे, सुरक्षित रहे। हमारी वीडियो कहां से देख रहे कमेंट में जरूर।